और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हम लोग बाइनोमियल में पढ़ते हैं उसको यहाँ यूज़ किया है। वो आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर वो आइडेंटिटी आपको मालूम है। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लिया है मैट्रिक्स में लिया है, देखिए लेट सी के इज रिप्रेजेंटिंग एन सी के, मतलब सिलेक्शन ऑफ के ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी एन ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट ही ना? फाइन, तो सी के का मतलब हो गया एन सी के, या तो क्वेश्चन ये। फिर ए के क्या दिया हुआ है, सी स्क्वेयर, ये के माइनस वन मतलब एन सी के माइनस वन का स्क्वेयर, जीरो जीरो, और ये एन सी के का स्क्वेयर, सी स्क्वेयर के मतलब एन सी के का स्क्वेयर, फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू दी ए एन इक्वल टू, अगर के वन जीरो जीरो के टू है देन विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखना इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, पहली बात तो ये निकालना है मुझे ये कैसे आएगा a1 प्लस a2 अप टू दी an, तो पैटर्न को समझिए, ये भी पैटर्न बेस ही है। देखिए a1 रखेंगे मतलब k को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब c0 का स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं? अब जब a2 रखेंगे तो ये c1 स्क्वायर हो जाएगा, जो इसमें ऐड हो जाएगा, जब आप a1 प्लस a2 प्लस an करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ये c1 स्क्वायर होगा, लाइक दैट c2 स्क्वायर होगा, और लाइक दैट आप कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो n माइनस वन सी स्क्वेयर एन माइनस वन, आपको सब में यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ पे भी जीरो ही रहेगा। अब यहाँ आते जब आपने ए वन लिया है, k को वन रखा है, मतलब ये वाला जो एंट्री होगा वो इस प्रकार का एंट्री होगा, सी वन का स्क्वेयर, सी टू का स्क्वेयर, और लाइक दैट सी एन का स्क्वेयर। अब आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स का एडिशन फिनिश हो गया, और आपको ये आइडेंटिटी जो बाइनोमियल में यूज होती है उसको आपको रिमाइंड करना है, वो आइडेंटिटी क्या है उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि एक्चुअली में जो सी जीरो स्क्वेयर प्लस सी वन स्क्वेयर प्लस अप टू दी सी एन का स्क्वेयर, ये एक्चुअली में टू एन सी एन के इक्वल होता है, ये नोट करेंगे, ठीक है? सी जीरो प्लस सी वन का स्क्वेयर प्लस अप टू दी सी एन का स्क्वेयर, ये इक्वल होता है टू एन सी एन, मतलब सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दी टू एन ऑब्जेक्ट, ये इसके इक्वल होता है। सी जीरो स्क्वेयर मतलब क्या, कि एन सी जीरो का स्क्वेयर प्लस एन सी वन का स्क्वेयर प्लस आपको एन सी एन का स्क्वेयर, इसकी बात कर रहा है, और ये है ट्वाइस एन सी एन, ठीक है साहब? अब देखना यहाँ पे हमको कैसे इसको यूज करना है, ये आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है तो अब आपको इसको यूज करना है। चलिए यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, आपको यहाँ जो वैल्यू निकालना है वो सी एन माइनस वन स्क्वेयर तक निकालना है, तो यहाँ से ये मिलेगा सी वन सी जीरो का स्क्वेयर प्लस सी वन का स्क्वेयर अप टू दी सी एन माइनस वन का स्क्वेयर, मतलब ट्वाइस एन सी एन से माइनस कर देंगे आपने सी एन का स्क्वेयर, है ना? मतलब सी एन का स्क्वायर को माइनस करेंगे, सी एन का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एन सी एन का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? एन सी जीरो ये एन सी वन, तो ये एन सी एन, और एन सी एन क्या होता है ये भी आपको मालूम है, एन सी एन होता है वन, और वन का स्क्वायर कितना होता है, तो वन, तो ये फाइनली एंट्री जो हो जाएगी ना, ये वाली एंट्री अब चेंज होगी स्टूडेंट्स, और ये एंट्री बन गई आपकी, क्या बन गई ये एंट्री बन गई ट्वाइस ऑफ एन सी एन माइनस वन, ये बात हो गई यहाँ से। अब इसी फार्मूले से आपको इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे आएगा, देखिए यहाँ से सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर अप टू दी सी एन का स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ तक जा रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, देखो पहले राइट हैंड साइड में ट्वाइस एन सी एन है माइनस सी जीरो का स्क्वायर, सी जीरो मतलब एन सी जीरो, एन सी जीरो का स्क्वायर, फिर से एन सी जीरो कितना होता है वन होता है, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वापस से कितना आएगा वन ही आएगा, तो फाइनली ये एंट्री भी चेंज होगी स्टूडेंट, और ये एंट्री क्या बन गई, ये भी बन गई ट्वाइस एन सी एन माइनस वन। तो आपने देखा कि इस आइडेंटिटी को हमको यूज करना है, और वो आइडेंटिटी क्या है कि सी जीरो का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस अप टू दी सी एन का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एन सी एन, और अब आप देखेंगे कि ये के वन है और ये आपका K2 है, कंपेयर करेंगे इससे तो दोनों सेम आ गया, K1 इक्वल टू K2, ये आपका ऑप्शन होगा, K1 इक्वल टू
केटू, ये आपका ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स देख लिया आपने कि इसमें ये जो आइडेंटिटी है इसको हमको यूज करना था, और ये आइडेंटिटी के ऊपर मेंस में जस्ट एक या दो साल पहले ही एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत आसानी से एडवांस में भी आया हुआ है। सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करने से वो प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को यूज कर लिए तो ये मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैट्रिक्स का एडिशन में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते।